पर इतना क्षमता छ भगवान कृष्ण पर पहले और तब मैं अपना श्रद्धालु पर सुरगुदू होते है और कोई के भी प्रकार की जरूरत नहीं छ ठीक छ और वही का चरण कृपा से कोई बीमारी को कोई भी नहीं जी। नमस्कार मैं सुमेल सरदानी निशांत और आज जो छेम नागराजा मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध हमारी संस्कृति को प्राण सूत्र छ और पांचों तीर्थ का रूप में प्रसिद्ध छ वो में जो छ पहुँचा छ और आज हम बात कर रहा यहाँ का जो महामंडलेश्वर छन पुजारी जी छन श्री श्यामल जी तो सीधा डायरेक्ट मिल रहा हूँ हम जो छ श्यामल जी से और जान रहा हूँ ये का बारा में छेम नागराजा का महात्म का बारा में। जय श्री नागराजा श्री मुखिम नाम माँ आपको स्वागत छ और भगवान नागराज को आशीर्वाद आप लोगों पर बनी रहो मेरी ये प्रार्थना छी इष्ट सी। और आप उत्तराखंड का ये पांचों तीर्थ छेम नागराजा मंदिर का पुजारी छी आप थोड़ा सा आपसे निवेदन छ कि ये का महात्मा का बारे में जी का पौराणिक इतिहास का बारे में तो कुछ बताई जाए ताकि हमारा पाठकों तक श्रोताओं तक यह बात जो छे सकूँ। ये प्रमाणित नहीं है कि पाँचों धाम जी वही शब्द हो कि कुछ हमारा यहाँ का उद्देश्य तने नहीं पाए और ये प्रथम धाम हो जी के हो कि बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री को तो आपके इतिहास में जरूर कि शंकराचार्य जी ने स्थापना कराए थे लेकिन सेम खेम धाम एक के धाम छ जो भगवान कृष्ण द्वापर युग में एक गए था जी और द्वापर युग बिटी ही एक विराजमान छ जी। तो ये वास्ता मैं यू बोल सकूँ कि पाँचों धाम छो भे शब्द हो जो प्रथम धाम हो है और यू हमारा जो धाम छ यो हमारा पहाड़ी लोगों को धाम छ और हमारा लोग देश विदेश में आ एक नागराजा का स्थान पर आंदा जब वो नागराजा तक पुकार दा और उनको कोई काम रुक जाऊँ वो काम बन जाऊँ तो जरूर एक दर्शन करते हैं खाऊँगा और नागनागिन लीख दें और दूध लीख दें और जो हमारे पौराणिक परंपरा छ वो तो वही पूजा भगवान नागराजा स्वीकार कर दो और वो लोग खुशहाल हो जाऊँगा और भगवान नागराजा को आशीर्वाद वहाँ पर बने रहो और एक मुँह जो छ भगवान कृष्ण चाहिए जी। तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण ये कह गए था और नाग रूप धारण करे भगवान ने एक कि ये जो भूमि छ ये भूमि यानी भूमि छ कि जो शिव की भूमि बताएंगे जी ना तो भगवान ने ये वास्ता नाग रूप धारण करिए कि कुछ पौराणिक काल की एक कथा भी छ कि गंगू रमल नाम को राजा जी हो और बहुत थोड़ा असुर टाइप को राजा था जी। तो वो जो काले नाग वाला प्रकरण छ वही अनुत तो भगवान वो काले नाग यो जंगल में आ गई थी तो वो ये 100 साल अवस्था पूरी हो गई थी 1000 साल है तो स्वर्ग लोग माँ चले गए तो भगवान को वादो थो ऐसे करो जब वो बोले कि भगवान मैं तो आप सेम धाम माँ चले भेजना लेकिन मैं आपका दर्शन कब करूँ तो भगवान ने बोले कि द्वापर युग का अंत माँ मैं स्वयं वो करूँ लेकिन वही की अवस्था पूरी हो गई थी उस स्वर्ग धाम पधारे गए तो और दूसरो रूप हुए जो गंगू रमन जी। तो आज भी एक बगल मामू मंदिर से गंगू रमन को रूप में पूजेंदा और उनकी दुई संतान से सिद्वा विद्वा भगवान का आशीर्वाद से हुए और तब भगवान की उन आराधना करी तो कई प्रकार का मंदिर बनाया उन्होंने 6 मंदिर बनाया सब हुए लेकिन जब वे का प्रति आस्था हुई नागराजा का प्रति तब भगवान में तय दर्शन देनी और ये शिला जी हम नाग रूप से और भगवान कृष्ण मखन से भगवान कृष्ण से माता देव की गोद माँ और ये जो छत्र ये नाग रूप से और ये नारायण जी की वीणा छ ये वास्ता एक मुंग नाग रूप माँ भगवान श्री कृष्ण पूजन छ। पंडित जी आपन बहुत अच्छी अच्छी बात बताए और जो हमारी लोक संस्कृति छ लोक समाज छ लोक धर्म छ हमारो वही की प्रतिष्ठा जो छ बनी रही चाहिए आप ये मंदिर का पिछले पेड़ देखने वाला लगे आप थोड़ा पिछले कर जाओ थे ये पेड़ थे जी ये पेड़ वही टाइम का छ जय टाइम भगवान कृष्ण को मंदिर एक बने छो गंगू रमौला का टाइम द्वापर युग में और एक पेड़ पिछले छ और एक पेड़ ये देखा आप यू अग्नि अच्छा यू अग्नि अच्छा कुछ विज्ञान भी फील हो जाती हूँ चमत्कारों में जी आप देखा ला जी ये कुछ जो भी ये को युच भार छ सब डाउन मा छ और केवल एक छोटा सा पत्थर का पर ये को अपनो आसन लिनु छ जी एक एक छोटो सी पत्थर छ जी है तो ये को मेरा हिसाब से लाखों टन ये को हां वजन छ वजन होलो जी तो क्या कारण छ यो कि यो अभी तक सही बात छ जी अपनी जगह पर उ छ जी इस छ और जबकि जड़ भी देखला आपकी तो कोई जड़ी की दिख नहीं छ जी
पौराणिक नाग जी पिछने नाग छ। अच्छा और युछ ये नागिन छ। अच्छा अच्छा भेरी अच्छा तो ये आपस में उछो है जी मिला छ एक प्रकार से आपस में संबंधित छ संबंधित छ जी तो ना नागिन उनी जा सकती और ना नाग हिल सकदो जी तो भगवान कृष्ण का चरणों के आशीर्वाद छ और उज्जवल छ वो कभी ना अच्छा अच्छा ये प्राकृतिक प्राकृतिक स्रोत छ। अच्छा यख मुझे छो प्राकृतिक स्रोत छ और जब भी मेलो को टाइम हो लाखों लोग आउँदा और केवल एक एक बूंद पानी से ही सारो मेलो संपन्न हो। ये वास्ता हम एक ही प्रार्थना करोला सरकार से कि कुछ ये नु होंदु जो परंपरा की चीज होंगी यो मा मतलब अन्य चीज कोई वो नहीं कर सकती और यदि होंदु छ अन्य चीज है शोध को विषय छ कोई शोध यदि होंदु छ तो कुछ प्रकृति अपने हिसाब तब दिखाऊंगी ना। तो मेरी ये प्रार्थना हो कि हमारी परंपरा बनी रहो और भगवान नागराजा का चरणों में हमेशा सप्तय को आशीर्वाद प्राप्त है। मैं आपका माध्यम से एक बात बोलना चाहूँ कि ये केदारपति और ये तो सुखे खेमा मिलेगी दे और ये को धूप लगे दे तो आप तो कई भी प्रकार का छिड़काव या कई भी प्रकार का वहाँ की चरण की ये पर इतना क्षमता छ कि ये की जो ये पत्ती छ कस्तूरा मृग ही केवल आहार छ ना। तो ये को धूप यदि लोग बाग अपना खेमा लगो तो ये बीमारी का कीटाणु तो कोई मतलब ही नहीं जो कीटाणु उत्पन्न हो रहे या न तो समाप्त हो जाओ ये जो हमारे किरार वाला छ वो छिड़कों वाला जो रख लो सैनिटाइजर वो छ। लेकिन हमारा जो सैनिटाइजर छ वो यू गौमूत्र छ गौमूत्र और भगवान कृष्ण पर पहले छिड़कता है और तब मैं अपना श्रद्धालु पर छिड़क दू है और कोई के भी प्रकार की जरूरत नहीं छ ठीक छ और वही का चरण कृपा से कोई बीमारी हो कोई भी नहीं जी है सर। और तई की कृपा जब हो जाओ तो ये गौमूत्र से अलावा हमारा पहाड़ में यदि गौ माता को अभी भी सेवा हो तो हमारे यो चीज की कोई जरूरत नहीं हम ये गौमूत्र को ही प्रयोग करो और अभी तक भगवान की कृपा से रिकॉर्ड छ कि हमारा ये जो एरिया छ जी भगवान को नागराजा को सेम मुखे में अभी तक ये बीमारी को कोई भी नहीं। अंतिम क्वेश्चन मेरे आपसे यू हो लो कि आप जो छो हमारी जो युवा पीढ़ी छ क्योंकि यू आने वाला समय में हम लोग तो जो छन जब उम्र के हिसाब से अगड़ी बढ़ दो तो विरासत का रूप में कुछ न कुछ देना चाहो ये मंदिर की भी एक विरासत छ ये परंपरा बनी रहो अबाद ढंग से सनातन धर्म हमारो चलते रहो तो युवा पीढ़ी तय आप जो छ क्या संदेश देना चाहेंगे ये पर जो छ आप दो शब्द जो छ अपना रख लें। मेरी ये प्रार्थना बोली युवाओं से सब लोगों से कि जो गलत कदम उठने लगे हो अपनी जो हमारी संस्कृति छ तो युवा वर्ग ही नहीं तय संभाली सक दो और बात बताए भगवान नागराज की कृपा से वही आशीर्वाद युवा पर बनी रहो और हमारा उत्तराखंड पर बनी रहो देश में खुशहाली लौटे और लोग जदिक से जदिक संख्या में जो छो हमारा जो तीर्थ स्थान छो वहाँ आवन और भगवान नागराजा जो छ सबकी मनोरथ और मनोकामना पूर्ण करो। मैं श्री पंडित जी महेंद्र सेमाल जी से फिर प्रणाम कर दूँ नमस्कार प्रणाम। We'll be right back.